नमस्कार, विराट 24 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिना। अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां जमीनी रंजिश को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई के खून का प्यासा हो गया और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और आनन फानन में घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर संजय गांधी अस्पताल के चिकित्सकों ने जबलपुर रेफर कर दिया था, जिसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने बड़े भाई को हिरासत में ले लिया है और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा है। पूरा मामला सेमरिया थाना क्षेत्र के भनवरा गाँव का है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नवीन श्रीवास्तव और अंकित श्रीवास्तव के बीच पुराना जमीनी विवाद चल रहा था। दोनों के बीच हुए विवाद में नवीन श्रीवास्तव बड़े भाई ने छोटे भाई अंकित श्रीवास्तव पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था, जिसकी अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस नवीन श्रीवास्तव को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। थाना सिमरिया के ग्राम भमरा में दो भाई एक ही परिवार से आपस में जो है जमीन संबंधी विवाद में झगड़ा किए और बड़े भाई ने जो है प्रवीण को, अपने छोटे भाई को, उसी विवाद के दौरान टांगी से यानी कुल्हाड़ी से उस पर वार किया। उसके पेट में जो है वाइटल पार्ट में चोटें आईं। सूचना मिलने पर पुलिस ने जो है अपराध पंजीबद्ध किया और उनको उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी चोटें गंभीर होने के कारण उनको जबलपुर रेफर किया गया था। जबलपुर जाते समय दिनांक 4 को रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई है। आज उनका पीएम हो रहा है और आरोपी जो है उनका बड़ा भाई नवीन श्रीवास्तव, इसको जो है पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में रख रखा है और उससे पूछताछ चल रही है। और धारा 300 उस प्रकरण में धारा 300 वादा भी बढ़ाई गई है और उनसे जो साक्ष्य संग्रह किया जा रहा है इसके बाद जो है उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। मृतक प्रवीण श्रीवास्तव हैं, ये नवीन के छोटे भाई हैं। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।